हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के खान शाहरुख खान की मूवी जवान के बारे में कि आखिर इस मूवी का ऑफिशियल टीजर कब रिलीज होगा, इसके साथ साथ इस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन होगा, इस मूवी का बजट कितना रहा है और ये मूवी कितनी भाषाओं में रिलीज होगी। तो ये सब जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और मूवी कॉर्नर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जवान मूवी के डायरेक्टर की। तो इस मूवी को डायरेक्शन दी है अटले कुमार ने। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट की। तो दोस्तों, जैसा कि इस मूवी के स्टार कास्ट में हमें बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान देखने को मिलेंगे और उनके साथ साथ होंगी नयन तारा और उनके साथ साथ आपको इस मूवी में नजर आएंगे विजय सेतुपति। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये मूवी एक्शन लवर्स के लिए बेहतरीन मूवी होगी। इसके साथ साथ इस मूवी में आपको थ्रिल भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इस मूवी के बजट की। तो दोस्तों, ये मूवी 220 करोड़ के बजट पर बनाई गई है और इसके साथ साथ इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रही है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इस मूवी का टीजर कब रिलीज होगा। तो इस मूवी का ऑफिशियल टीजर 10 जुलाई को रिलीज होगा, यानी कि कल के दिन पर इस मूवी का ऑफिशियल टीजर हमें देखने को मिलेगा जो कि एक नहीं बल्कि तीन भाषाओं में रिलीज होगा। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का टीजर हिंदी के साथ साथ हमें तमिल और तेलुगु में भी देखने को मिलेगा। और तो और दोस्तों, इतने नहीं बल्कि आप जवान मूवी को भी तीन भाषाओं में यानी हिंदी, तमिल और तेलुगु में एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस मूवी के टीजर तो कल रिलीज हो जाएगा, लेकिन इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर कब रिलीज होगा। तो दोस्तों, जैसा कि इस मूवी की रिलीजिंग डेट 7 सितंबर 2023 एक्सपेक्ट की जा रही है और इसी तरह अगर ऑफिशियल ट्रेलर की बात करें तो वो हमें अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, क्या ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी पठान मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आप भी क्या शाहरुख खान के फैन हैं और मेरी तरह जवान मूवी का भी इंतजार कर रहे हैं? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।